हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम MScNT के बारे में बात करेंगे कि MScNT हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस मार्क्स और किस रैंक तक मिल सकती है, और अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो DNB किस मार्क्स किस रैंक तक मिल सकती है, एंड इन केस अगर वो दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो डिप्लोमा और उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फीस स्ट्रक्चर पे हमें MScNT मिल सकती है। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। सो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या मार्क्स आपको लाने चाहिए, DNB के लिए क्या मार्क्स लाने चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अगर आपके पास डिप्लोमा का ऑप्शन है तो क्या आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए नॉर्मल मैनेजमेंट और NRI सीट के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, और साथ में जो ओपन स्टेट्स हैं उन ओपन स्टेट्स में फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे काउंसिलिंग की। यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 31,000 32,000 रैंक तक आपको MScNT मिल सकती है, दैट इज 445 to 450 मार्क्स आपके होने चाहिए। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 33 से 34,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 440 to 445 मार्क्स आपके होने चाहिए। OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो अगेन 33 to 34,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, 33-34,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 440 to 445 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 50-51,000 रैंक तक MScNT मिल सकती है, दैट इज 395 to 400 मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 89-90,000 रैंक तक आपको MScNT ऑल इंडिया कोटे में मिल सकती है, दैट इज 305 to 310 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है, तो इन दैट केस यू विल बी हैविंग द ऑप्शन ऑफ DNB। DNB की बात करें, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो DNB आपको 36-37,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 435 to 440 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 32 to 33,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 445 to 450 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30,000-31,000 रैंक तक आपको DNB ENT मिल सकती है, इन दैट केस 450 to 455 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 56 to 57,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 380 to 385 मार्क्स आपके होने चाहिए, लाने होंगे आपको। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 83-84,000 रैंक तक आपको मिल सकते हैं, दैट इज 320 to 325 मार्क्स आपको लाने होंगे। नाउ इन केस आपको DNB भी नहीं मिलती है तो और आपके पास ऑप्शन है डिप्लोमा का, तो NBE डिप्लोमा की सीट्स आप ले सकते हो। NBE डिप्लोमा करने के बाद अगर आप DNB के इक्विवेलेंट होना चाहते हो या डिग्री कोर्स के इक्विवेलेंट होना चाहते हो तो PDCET का एग्जाम देकर के आपको 2 साल की और कोर्स करनी होगी। मतलब डायरेक्टली आप DNB करते हो तो आपको 3 साल लगेंगे, बट NBE डिप्लोमा आप के थ्रू आप DNB के इक्विवेलेंट होना चाहते हो तो NBE डिप्लोमा के लिए 2 साल लगेंगे, और फिर PDCET एग्जाम देने के बाद जो 2 साल की कोर्स होती है वो आपको करनी होगी, दैट इज 4 साल आपको लगेंगे डिप्लोमा के थ्रू। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी जो फीस है वो 1,25,000 ही है किसी भी हॉस्पिटल की। सो NBE डिप्लोमा की बात करें, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60-61,000 रैंक तक आपको डिप्लोमा ENT मिल जाएगी, दैट इज DU, दैट इज की 370-375 मार्क्स लाने पे भी आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको मिल जाए। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90-91,000 रैंक तक आपको DO मिल सकती है, DO मतलब डिप्लोमा इन ENT, 305 to 310 मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 71,000 से 72,000 रैंक तक आपको मिल सकती है, दैट इज 345 to 350 मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 1,00,000-1,09,000 रैंक तक भी आपको DO मिल सकती है, दैट इज 270 to 275 मार्क्स आपको लाने होंगे। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 185-186,000 रैंक तक भी मिल सकती है, दैट इज 130-135 मार्क्स लाने पे भी आपको DO मिल सकती है। नाउ ये तो हुई गवर्नमेंट सीट्स की बात हमने की, जिसकी फीस कम है, 1,25,000 मैक्सिमम है। अगर हमें हमारे पास ऑप्शन है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस का, तो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज और एक प्राइवेट कॉलेजेस। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग जो है वो MCC कराती है, उसके लिए हमें MCC की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, दैट इज www.mcc.nic.in। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अलग अलग स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग अलग अलग स्टेट करवाती है। सो जिस भी स्टेट में जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए आपको उस स्टेट की फॉर्म फिल करनी होगी। नाउ डीम्ड की बात करें, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में 2 तरीके की सीट होती है, एक नॉर्मल सीट जिसे मैनेजमेंट सीट भी कहते हैं, और एक होती है NRI सीट। नॉर्मल सीट पे आपको MScNT 93-94,000 रैंक तक मिल जाएगी, जिसकी फीस 19 लाख पर एनएम से लेकर के 30 लाख पर एनएम के बीच वेरी करेगी, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। दैट मीन्स 300-305 मार्क्स होने पर भी आपको
डीम्ड में नॉर्मल सीट MSENT की मिल जाएगी। अगर आप NRI सीट लेना चाहते हो, NRI सीट को लेकर के एक बात जो है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास NRI डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो, अगर आप NRI स्पॉन्सर्ड सीट के लिए आपको अप्लाई करना है और आप NRI स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट बनवा भी लेते हो, इन दैट केस आप नॉर्मल सीट के लिए भी एलिजिबल रहोगे, मैनेजमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल रहोगे और आप NRI सीट के लिए भी एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ NRI सीट के लिए एलिजिबल रहोगे, आप दोनों सीट के लिए एलिजिबल रहोगे, तो आपके पास ऑप्शंस जो है वो ज्यादा रहेंगे। नाउ NRI सीट की बात करें तो MSENT 1,50,000 1,51,000 रैंक तक भी मिल जाती है, दैट इज 205 to 210 मार्क्स रहने पे भी आपको MSENT जो है NRI सीट डीम्ड में मिल जाएगी, बट उनकी जो फीस होगी वो 40 लाख पर एनम से 78 लाख पर एनम तक वेरी करेगी। ना ये तो हो गई डीम्ड की बात, अब आ जाते हैं ओपन स्टेट्स कौन कौन से और उसमें फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें कितने कितने मार्क्स पे मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 36-37,000 रैंक तक हमको MSENT मिल सकती है, जहाँ की फीस 9,50,000 पर एनम है, 430-435 मार्क्स लाने पे देर आर गुड चांसेस। बिहार की बात करें तो 13,40,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 50,000-51,000 रैंक तक हमें MSENT मिल सकती है, 395-400 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9,31,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 75-76,000 रैंक तक हमें MSENT मिल सकती है, 335-340 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। हरियाणा की बात करें तो 14 लाख to 22 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 1,02,000 1,03,000 रैंक तक भी MSENT मिल सकती है, 285 to 290 मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए। कर्नाटका की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, उसमें अलग अलग कोटा है। सबसे पहले ओपन कोटा की बात करें तो ओपन कोटे में भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर 12 लाख पर एनम है और कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर 25 लाख 25 लाख पर एनम है। तो वैसे कॉलेजेस जिनकी फीस 12 लाख पर एनम है वहां पे 47,000 48,000 रैंक तक भी मिल जाती है MSENT, दैट इज 400-405 मार्क्स। और जिसकी फीस 25 लाख है वो है MS रमैया मेडिकल कॉलेज, जो कर्नाटका की सबसे अच्छी मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट में, वो भी जाती है ऑलमोस्ट, बट उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है 25 लाख पर एनम, वो भी जाती है 47-48,000 रैंक तक ही जाएगी। सो 400-405 मार्क्स जो है वो आपको लाने होंगे। अब कर्नाटका में ही कुछ महंगे फीस वाले कॉलेजेस हैं, जैसे कि क्यू कोटा आती है, क्यू कोटा की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 35 लाख पर एनम से 40 लाख पर एनम तक वेरी करती है, बट यहाँ पे MSENT 1,22,000 1,23,000 तक आपको मिल जाएगी, दैट इज 250 से 255 मार्क्स आपके होने चाहिए। कर्नाटका में ही NRI कोटा की भी सीट है जिसकी फीस स्ट्रक्चर 26 लाख पर एनम से 40 लाख पर एनम तक वेरी करती है, बट इनमें 1,35,000 1,36,000 रैंक तक भी मिल जाती है, दैट इज 225 to 230 मार्क्स होने चाहिए। MP की बात करें तो 17 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 98-99,000 रैंक तक MSENT मिल जाती है, 290 से 295 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। पौंडीचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 1,16,000 1,17,000 रैंक तक MSENT मिल जाती है, सो 255-260 मार्क्स होने चाहिए। पंजाब की बात करें तो डीएमसी की जो मैनेजमेंट कोटा सीट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें MSENT की सीट लास्ट ईयर थी, इस बार रहेगी या नहीं रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, बट उसकी जो फीस स्ट्रक्चर वो 6,50,000 है। अगर उसमें सीट आती है तो 26-27,000 रैंक तक MSENT मिल सकती है, बहुत ही अच्छी कॉलेज है पंजाब की, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, 405 to 410 मार्क्स मिनिमम, सॉरी 465 to 470 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। राजस्थान की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी महंगी है, 20 लाख पर एनम से 28 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर पे वेरी करती है, 75,000-76,000 रैंक तक MSENT मिल सकती है, सो 335 to 340 मार्क्स होने चाहिए। सिक्किम मणिपाल सिक्किम की बात करें तो 26.40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 46,000-47,000 रैंक तक MSENT मिल सकती है, सो 405 to 410 मार्क्स होने चाहिए। तमिलनाडु की बात करें तो 15,50,000 की फीस स्ट्रक्चर है, 75,000 से 76,000 रैंक तक MSENT मिल सकती है, सो 335 to 340 मार्क्स होने चाहिए। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे NRI कोटे की सीट में 72 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 1,75,000 1,76,000 रैंक तक MSENT मिल सकती है, सो 155-160 मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो 17 लाख to 21.50 लाख पर एनम तक वेरी करती है यहाँ की फीस, 1,24,000 1,25,000 रैंक तक MSENT मिल सकती है, सो 250 250 से 255 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए।
वेस्ट बंगाल की बात करें तो 27 लाख पर एनम की फी स्ट्रक्चर है, 1,29,000, 1,30,000 रैंक तक एमएससी एनटी मिल सकती है। सो 240 to 245 मार्क्स होने चाहिए। ये सारे जो हैं वो ओपन स्टेट भी हैं जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टेट को मैंने कवर नहीं किया वो या तो क्लोज स्टेट है या तो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है या एमएससी एनटी की सीट नहीं है। सो आई होप कि आपके सामने दो तीन चीजें क्लियर हो गई होगी कि एमएससी एनटी गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें किस मार्क्स कितने मार्क्स लाने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट, डीएनबी सीट लेने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, एनबी डिप्लोमा सीट लाने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, और ओपन स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू फी स्ट्रक्चर कितने मार्क्स हमें लाने होंगे और किस स्टेट में कितने फी स्ट्रक्चर है। इस वीडियो को आप सेव करके रख ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि एक बार जब आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो काउंसलिंग फॉर्म है करियर मीडिया की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप फिल करके हमसे कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं और काउंसलिंग रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसे भी अवेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट, फॉर जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स को वीडियो की जो बेनिफिट है वो मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।